लड़ने वाले लोगों की संख्या 85% है और जो लोग अन्याय कर रहे हैं उनकी संख्या 3.5% है। 3.5% लोग 85% लोगों पर अन्याय नहीं कर सकते मगर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? 14 अगस्त 1947 तक अंग्रेज भारत का शासक वर्ग था, 15 अगस्त 1947 से ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग हो गया। जान लो, 14 अगस्त 1947 तक अंग्रेज भारत का शासक वर्ग था, 15 अगस्त 1947 से ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग हो गया है। और जो शासक वर्ग होता है उसके नियंत्रण में मिलिट्री होती है, उसके नियंत्रण में पैरा मिलिट्री होती है, एसआरपी होती है, सीआरपी होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, पुलिस होता है, सारा हथियार बंद दस्ता जो है उनके नियंत्रण में होता है जो शासक वर्ग होता है। 3.5% लोग 85% लोगों पर अन्याय नहीं कर सकते मगर कर रहे हैं। पुलिस की मदद से, मिलिट्री की मदद से, पैरा मिलिट्री की मदद से अन्याय कर रहे हैं। अन्याय वो अपने बल पर करने की स्थिति में नहीं है, पुलिस को हमारे ऊपर अन्याय करने के लिए इस्तेमाल करती है। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग है और इस वजह से वो हमारे ऊपर अन्याय कर रहा है, ये बात सही है, एक तथ्य मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूं। मगर इस अन्याय को अगर आप रोकना चाहते, ये अन्याय हो रहा है, क्यों हो रहा है, एक और बहुत खास वजह है। वो खास वजह क्या है? शेड्यूल कास्ट के लोग अलग लड़ रहे, शेड्यूल ट्राइब के लोग अलग लड़ रहे, नॉमिनिक ट्राइब के लोग अलग लड़ रहे, एमबीसी के लोग अलग लड़ रहे, ओबीसी के लोग अलग लड़ रहे, मुसलमान सिख ईसाई बुद्धिस्ट जैन लिंगायत अलग 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 लड़ रहे, सभी लोग अलग अलग लड़ रहे हैं। और अलग अलग लड़ने की वजह से इन सबकी पिटाई हो रही, ब्राह्मण इस वजह से इनकी पिटाई कर रहा है। और यदि ये 85% लोग इकट्ठा हो जाए, अगर इकट्ठा हो जाए तो जो ब्राह्मण हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हम भी ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करने लायक हो सकते हैं, हम भी ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करने लायक हो सकते हैं, मगर हम अत्याचार करने के लिए इकट्ठा नहीं होना चाहते, हम अत्याचार करने के लिए इकट्ठा नहीं होना चाहते हैं, हम इकट्ठा होना चाहते हैं दुनिया में इंसाफ कायम करने के लिए, इकट्ठा होना चाहते हैं न्याय कायम करने के लिए। और जब हमारे पास हमारे लोगों के नियंत्रण में सत्ता आएगी तो हम कहेंगे ब्राह्मणों के ऊपर भी अन्याय नहीं होगा, उनको भी 3.5% नौकरियां मिलेगी। अगर किसी शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब ओबीसी के आदमी ने 3.5% का 3.25 कर दिया, उसको सजा हो। न्याय स्थापित करने का काम करने के लिए हम इकट्ठा होना चाहते हैं, किसी पर अन्याय करने के लिए हम इकट्ठा नहीं होना चाहते हैं। इसलिए साथियों, ये परिवर्तन यात्रा इसलिए हम लोगों ने निकाली, ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को आजादी के आंदोलन में पढ़ाया। क्या पढ़ाया? हमारे लोगों को पढ़ाया अंग्रेजों का एक नियम था, नीति थी, और वो कहते थे बांटो और राज करो। ब्राह्मण लोगों ने हमें कहा बांटो और राज करो, अंग्रेजों की नीति थी, ऐसा ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को कहा। गलत बात है, ये अंग्रेजों की नीति नहीं थी। अंग्रेजों के 2000 साल पहले ब्राह्मण आए और ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को, हमारे मूल निवासियों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान में बांटा, अंग्रेजों ने 2 टुकड़े किए थे, सही बात है, ब्राह्मणों ने 6000 टुकड़े किए थे हमारे समाज के, 6000 जाति के टुकड़ों में, शेड्यूल कास्ट की 1700 जातियां, आदिवासियों की 900 जातियां, ओबीसी की 3743 जातियां, गिनती करो 6000 से ज्यादा कम नहीं है। और इस तरह से 6000 जाति के अंदर ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को बांटा। इसलिए मैं आप लोगों के सामने सवाल उठाना चाहता हूं कि अंग्रेज ज्यादा खतरनाक थे या ब्राह्मण ज्यादा खतरनाक है, थोड़ा विश्लेषण करके देखते हैं। ब्राह्मणों ने हम लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा, अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान 2 टुकड़े में बांटा, तो 2 से 6000 का भागाकार कर लो, 2 से 6000 का भागाकार कर लो। जब 2 से 6000 का भागाकार कर लोगे
तो आंकड़ा आएगा 3000। गिनती कर लो, 6 से 2 का भागाकार कर लो तो आंकड़ा आएगा 3000। इसका मतलब है ब्राह्मण अंग्रेजों से 3000 गुना ज्यादा खतरनाक है। गिनती करके बता रहा हूं, काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं, तुम भी करके देख लो। ये ब्राह्मण अंग्रेजों से 3000 गुना ज्यादा खतरनाक है, इसलिए जमा जमाया है। इसलिए साथियों, हम लोगों को ब्राह्मणों ने 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा, आज तक किसी ब्राह्मण ने यह नहीं कहा कि नहीं बांटा, क्योंकि मेरे पास ब्राह्मणों के ग्रंथों के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मनुस्मृति में कौन सी जाति कैसे बनती है लिखा हुआ है, सारा का सारा लिखा हुआ है। तो ब्राह्मणों के द्वारा, और मनुस्मृति का लिखने वाले ब्राह्मण का नाम था सुमति भार्गव, भृगु गोत्र का ब्राह्मण था। मनुस्मृति लिखने वाले ब्राह्मण का नाम था सुमति भार्गव, भृगु गोत्र का ब्राह्मण था, उसने लिखा। और उसमें जातियां कैसे बनाई जाती हैं वो लिखा हुआ है, सबूत के साथ बोल रहा हूं, काल्पनिक बातें नहीं है। ब्राह्मणों ने जातियां बनाई, ये हमारा कहना है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास में, इसके आधार पर ये बातें कह रहा। इसलिए परिवर्तन यात्रा का मुख्य कार्यक्रम है जाति के आधार पर, हम बटे हुए लोग नहीं है, ब्राह्मणों के द्वारा बांटे हुए लोग हैं। हम बटे हुए लोग नहीं है, हम ब्राह्मणों के द्वारा बांटे हुए लोग हैं, बटे हुए लोग नहीं है। इसलिए बांटे हुए लोगों को जगाना होगा, पहला कार्यक्रम परिवर्तन यात्रा, बांटे हुए लोगों को जगाना होगा, और दूसरा कार्यक्रम जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा। बांटे हुए लोगों को जगाना होगा और जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा, और जोड़े हुए लोगों से शक्ति का निर्माण करना होगा। परिवर्तन शक्ति से आता है, परिवर्तन जनशक्ति से आता है, सारे दुनिया में देख लेना। जगे हुए लोगों को, लोगों से शक्ति का निर्माण करना होगा, और फिर शक्ति का संचय करना होगा, और संचयित शक्ति का जब समय आएगा तब उपयोग और प्रयोग करना होगा, ऐसा करना होगा। ऐसा करेंगे तो इस देश में जो परिवर्तन हम लाना चाहते हैं वो परिवर्तन लाने में हम कामयाब हो सकते हैं। हम लोगों ने इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से छोटे छोटे संगठन, माइक्रो लेवल के संगठन, मध्यम लेवल के संगठन और बड़े लेवल के संगठन, अगर हम एक तहसील में 50 संगठन इकट्ठा कर ले तो 5000 तहसील है, 5000 × 50 बराबर 2.5 लाख। अगर 100 संगठन हम एक तहसील में इकट्ठा कर ले होते हैं कर ले अगर ऐसा कर ले तो इस देश में 5 लाख संगठन हम इकट्ठा कर सकते हैं। अगर 5 लाख संगठन हम इकट्ठा कर सकते हैं, अगर एक संगठन के 20 कार्यकर्ता भी मान ले एवरेज में, तो 1 करोड़ कार्यकर्ता आपके आंदोलन के लिए उपलब्ध होंगे। अगर 1 करोड़ कार्यकर्ता आपके आंदोलन के लिए कार्यकर्ता उपलब्ध होंगे, और ऐसे हम लोगों को 5 करोड़ लोग जो है आंदोलन के लिए मिलेंगे, और 5 करोड़ लोग एक एक परिवार को तैयार करेंगे, तो 25 करोड़ लोग इस आंदोलन के साथ जोड़ने में हम कामयाब हो सकते हैं। ऐसा करना होगा। ऐसा करने के लिए मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूं कि अपने अपने तहसील में, अपने अपने जिले में इस तरह से प्रयास करने का काम करो, क्योंकि ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा, मगर हमारे पढ़े लिखे लोगों ने 6 लाख संगठन में बांटा। हमारे ब्राह्मणों ने 6000 में बांटा और हमारे पढ़े लिखे लोगों ने 6 लाख संगठन में बांटा। तो जातियों से ज्यादा संगठन हमारे लिए ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। तो ये छोटे छोटे संगठन जोड़ना होगा, नहीं जोड़ेंगे तो इससे हमारा सत्यानाश हो रहा है, इससे हमारा संगठन का बिखराव हो रहा है। इसको करना होगा। ऐसा करने के लिए आप साथ सहयोग करोगे, इससे विशाल आंदोलन खड़ा हो जाएगा, इससे जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा, और इस जन आंदोलन से हमें इसमें आजादी मिलेगी, और आजादी मिलेगी हम खुद मुख्तियार होंगे, और अगर खुद मुख्तियार होंगे तो अपने भविष्य का फैसला लेने का अधिकार हमारे पास होगा। जब हमारे पास
हमारे भविष्य का फैसला लेने का अधिकार होगा, तभी हमारी समस्या का समाधान होगा। ऐसा करना होगा, ऐसा करने के लिए आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन न्यूज़।